नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है वो खौफ पैदा कर रहा है। बेलगाम संक्रमण से मौतों में हर रोज रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। लोगों की जिंदगी अब आंकड़ों में तब्दील हो गई है। उधर देश में लॉकडाउन भी खुला है, ये जरूरी भी था क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुला संक्रमण भी फैला। कई राज्य जो कि अब तक कोरोना के शिकंजे में उतनी बुरी तरीके से जकड़े नहीं थे, वो भी अब कोरोना की जद में आ गए हैं। इन हालातों में लॉकडाउन की नीति पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये है कि क्या सरकार को अपनी लॉकडाउन नीति में बदलाव करना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब हर्ड इम्यूनिटी ही बचाव का अंतिम जरिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को चुनौती का सामना करने के लिए दुरुस्त होने की जरूरत है। अस्पताल बेडों की संख्या बढ़ाने का भी मसला है, टेस्टिंग बढ़ाने की भी जरूरत है। तो वहीं लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में अगर आप सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल आमने सामने हैं, तो बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता सरकार पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा चुके हैं। अमित शाह अप्रवासी मजदूरों के मसले पर ममता सरकार पर हमला कर चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने लॉकडाउन नीति पर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। पूरा तानाबाना ऐसा है कि एक तरफ तो लोगों की जान पर बनाई है और दूसरी तरफ सियासतदान शय और मात का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम लॉकडाउन की नीति और कोरोना पर सियासत से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 357 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 9,996 मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 2,86,579 हो गया है। देश के वो राज्य जो कोरोना से मुक्त हो चुके थे, अब वहाँ भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन हटाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन पर अलग नीति की जरूरत है, एक ऐसी नीति जिससे संक्रमण भी नियंत्रण में रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया भी लगातार चलता रहे। सवाल ये भी है कि क्या देश को हर्ड इम्यूनिटी बचाएगी। वहीं दिल्ली की स्थिति गंभीर बनी है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मामले होने का अनुमान है। इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों को 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदारी उठाने की जगह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहरियों का इलाज न करने के केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट डाला है। तो मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने LG पर दबाव डालकर पूरे प्लान को पलट दिया है। This order violated the constitutional right to equality and right to life, which includes right to health. Earlier also a similar order of JNCTD was struck down by Honorable High Court of Delhi, double bench headed by the Chief Justice of Delhi, on the ground that no citizen of India can be discriminated on the basis of residence. When it comes to healthcare, access to universal healthcare is responsibility of the state. कोरोना संकट के बीच लागू हुए लॉकडाउन नीति पर कई पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल ही बताया है। कोरोना से सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति भी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अब आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की ऐसी इकलौती पार्टी है जो संकट के वक्त में राजनीति करने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या अनलॉक किसी प्लानिंग के तहत ही होना चाहिए। मुंबई में चिंता की बात है, हर रोज
केसेस बढ़ ही रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहे हैं। और वहाँ पर अभी होटल्स नहीं खोले हैं, मॉल्स नहीं खोले हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं खोले हैं, रिलीजियस प्लेसेस बाकी जगह खुल गए लेकिन मुंबई में नहीं खोले हैं। तो ये इतनी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाए हैं, एहतियात लगाए हैं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन अभी भी उसके बावजूद केस बढ़ रहे हैं। तो जो सामान्य निर्देश हैं उसको लागू होना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि इसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। जाहिर है कि कोरोना संक्रमण के बीच सियासत जोरों पर है, बयानबाजी से परहेज नहीं किया जा रहा है और जमीनी हालात को सुधारने के लिए जिस एकजुटता की जरूरत है उसकी कमी साफ झलक रही है। डर है कि ये सब कुछ देश पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। और लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 300 से ज़्यादा डेथ भी हो चुकी है। जिस तरह से लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन को अनलॉक किया गया और 1 जून से अगर हम देखें तो लगातार 10,000 के आसपास ही आंकड़े रोज आ रहे हैं सामने। और इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी मेहमानों का परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ राजेश झा जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है भाजपा के। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर वीके मोंगा जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष है हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया IMA के। और हमारे साथ वंशराज दुबे जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश झा जी आपसे है, जिस तरह से मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया गया था, 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने बोला कि 25 मार्च से लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन चलता रहा, पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब अनलॉक शुरू हो चुका है, हर रोज 10,000 से के आसपास केस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब सरकार लॉकडाउन को वापस लागू करने का कुछ सोच सकती है, उस पर कुछ मंथन किया जा सकता है? दीपा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस समय शुरुआती दौर था और शुरुआती दौर में जो स्थिति थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथ, सरकार के साथ, सारे विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग करके लॉकडाउन लगाया था। और वो लगाना इसलिए अनिवार्य था कि उस समय जिस तरह से कोरोना स्टार्टिंग पॉइंट पे था, यदि उस समय उनको नहीं रोका जाता तो आज ये केस 3 लाख के करीब नहीं, आपको 30 लाख के करीब नजर आता। तो जो निर्णय लिया गया है शुरुआती दौर में वो जरूरी था, लेकिन चूंकि जान के साथ जहान भी है, लोगों को रोजगार भी देखना है, देश की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि आर्थिक स्थिति लगातार हम लोगों की, देश की बिगड़ती चली जा रही थी, तो ऐसे स्थिति में अनलॉक करना भी जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, ये भी आवश्यक है कि लोग अपनी जिम्मेवारी को भी स्वयं उठाएं। सरकार अपने काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अपने काम कर रही है, राज्य सरकारें भी अपने लेवल पे काम कर रही हैं और लगातार गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दी गई। बहुत जगह पर ऐसा भी देखा गया कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट रूप से उन लोगों से बात किया और 5 बार प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके यही फैसला किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं, और जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की या टेस्टिंग का, इसको करते हुए साथ साथ हम अनलॉक को भी करना जरूरी है, क्योंकि देश को हमें अर्थव्यवस्था के साथ भी जोड़े रखना है। बहुत सारे आपके 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी, उनको रोज कमाना रोज खाने वाली स्थिति हो जाती है, और तीन महीने से लगातार दिशा जी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि सभी लोग घर में लॉक थे, तो उनको उनको थोड़ा आर्थिक भी बेहतर करना था। लेकिन अभी जो स्थिति दिल्ली की स्थिति है या महाराष्ट्र की, मुंबई की स्थिति है, ये बहुत ही भयावह और खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे स्थिति में यही सबसे बेहतर है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन करके, जागरूकता करके, और लोगों को एज ए टीम, होल टीम, देश को बचाना, देश की जनता को बचाना प्राथमिकता होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगले 1.5 महीने में 5.5 लाख को क्रॉस कर जाएंगे कोरोना पॉजिटिव केसेस, तो ये एक भयावह स्थिति है। जहाँ 2 दिन पहले तक वो बोल रहे थे कि सभी चीज नॉर्मल है, सब ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये जो चीजें जो देखने के लिए डिफरेंसेस मिल रहा है, ये एक चिंताजनक बात है।
कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, बिल्कुल हम समझते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देश को कोरोना से लड़ना है, देश के अंदर हम को एक दूसरे से नहीं लड़ना है। और इसी के साथ सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे है, शुरुआत में जब लॉकडाउन लागू किया गया था तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यही कहा था कि लॉकडाउन सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते रहे और ये लिमिट नहीं हुई, इनकी लिमिट में नहीं रहे, तो हम लॉकडाउन वापस लगा देंगे। आपको अब आप बताइए कि लॉकडाउन से आप कितने सहमत है, कि आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाने के बाद अब ये जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो एक लिमिट में रह सकते हैं? दिशा जी, जब भारतवर्ष में लॉकडाउन शुरू हुआ तो 500 केसेस थे और केंद्र सरकार की नजर मध्य प्रदेश पे थी। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में समय लगा, इतना समय अगर हमें व्यवस्था पे लगता तो आज इतने आंकड़े नहीं होते। और किस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी जिनने बात की, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसे किया और इनकी तैयारी ऐसी, तो मुझे लगता है कि दोनों कह रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो दिशा में ढूंढना होगा इन दोनों अच्छे काम करने वालों के बीच में। मेरा अभिप्राय दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ठीक से कार्य कर रही है, तो बीच में गड़बड़ी कहां से उत्पन्न हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये जिम्मेदारी एक दूसरे पे थोप रहे हैं और दोनों ने कहा कि हम सही व्यवस्था कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो चूक कहां से? एक तो चूक ढूंढनी होगी, जो चूक साइलेंट है इनकी बातों पे उसे ढूंढना, ये हुआ कैसे? और जिस प्रकार से जो मैं समझता हूं कि हमारी सेना बॉर्डर पे चाइना से लड़ रही है और कोरोना के मरीज कोरोना से लड़ रहे हैं जी, और हम केंद्र सरकार और हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, क्यों चुनाव सिर पे हैं और किस तरह से वर्चुअल रैली आप समझती हैं, सारे सीनियर लोग बैठे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे जी। और जहां तक आंकड़ों की बात की, अब आंकड़े डाइजेस्ट नहीं हो रहे दिशा, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते कि हमने ये काम कर दिया। मैंने कल भी कहा था हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें ये भी करना पड़ेगा भी, जो कोरोना के संक्रमित हैं तो समझ नहीं पा रहे कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनके लिए भी डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, और जिन पे हल्के संक्रमण पाए गए, लक्षण पाए गए हैं, उनको भी एक दिन में दो दिन में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए जो घरों पे क्वारंटाइन है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना होगा बिल्कुल, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मैं दावे से कह सकता हूँ, जितनी एनजीओज हैं, जितने हमारे वॉरियर्स हैं इसके लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी जी। और वही काम कर रहे हैं सरकारें, सिर्फ आके मैंने ये कर दिया बयानबाजी, आंकड़े देश कभी माफ नहीं करेगा दिशा जी, हमें आंकड़ों से नहीं, हमें दवा से, प्रिकॉशन से, व्यवस्था से कोरोना पे विजय पाएंगे। बिल्कुल, हमें एक दूसरे से नहीं, हमें कोरोना से लड़ना है और यही हमारा मकसद होना चाहिए। सवाल मेरा डॉक्टर बीके मोंगा जी आपसे है, जिस तरह से हम देख रहे हैं अनलॉक जब से शुरू हुआ है तब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लगातार केसेस इतने आ रहे हैं कि 10,000 के पास पहुंच रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात कर ले तो 9,996 केस सामने आए हैं और 357 मरीजों की मौत हो गई है, तो यहाँ पे कमी किस चीज की नजर आ रही है सर आपको, कि लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा कि हमको बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहन के घूमना है, या कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कतें थोड़ा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भी है? दिशा जी, आपने प्रश्न किया जी, सबसे पहला तो दोनों वक्ताओं से कि स्थिति बड़ी भयानक है और अगर क्योंकि हम नहीं सकते हालात जो है स्थिति इतनी हो जाएगी कि हमसे संभल नहीं पाएगा, पहले भी कहा है। और मैं राजनीति में नहीं चाहूंगा कि क्यों क्या होता, अगर शुरू में ही जो बाहर के लोग आ रहे थे उनको स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट में रखा जाता तो कितना फायदा होता, या मरकज वाला इशू ना होता तो क्या होता, ये सब राजनीति में मैं नहीं पढ़ूंगा।
एज ए डॉक्टर जी, एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टरों की पूरी एडवाइस थी उसको नहीं माना गया, इसको सारे के सारे सिस्टम को ब्यूरोक्रेट्स ने रन करना शुरू किया। ये सारी की सारी दिक्कत वहां से, और आज की तारीख में भी अगर आप सड़क पे चले जाओ तो आधे लोगों के मुंह पे मास्क नहीं होते, और जो आधे लगा के घूम रहे होते हैं वो गले में लटका के घूम रहे होते हैं डर के मारे कि कोई टोक ना दे या कोई पुलिस वाला डांट ना दे। और अवेयरनेस के बावजूद, इतनी जबरदस्त अवेयरनेस सरकारों ने की है, मैं कोई नहीं कह रहा कि कोई सरकार कर रही है कि नहीं कर रही, सारे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं हो रही तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि डॉक्टरों ने अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग ना डॉक्टरों की बात मान रहे हैं, ना मीडिया के लोगों की बात मान रहे हैं, ना सरकारों की बात मान रहे हैं, और हालात इतने ज्यादा बिगड़ने वाले हैं कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे। हर घर के अंदर कोरोना का पेशेंट होता जा रहा है, दिल्ली के अंदर तो बहुत ही भयानक स्थिति है, और सरकार इसको शुरू से अगर संभल के चलती तो मुझे लगता है ये हालात ना होते। पहले आप कहते हैं कि हमारे पास पूरे बेड हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आज की तारीख में अगर आप पीछे तीन दिन के मीडिया की न्यूज देखें, सरकारी अस्पतालों के अंदर डेड बॉडीज का क्या हाल है, मरीज कहाँ लेटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और उससे बड़ी बात ये जो हमारी गाइडलाइंस बनी चेकअप करने की, टेस्टिंग की, वो इतनी खराब थी जिससे कि हमने कम्युनिटी स्प्रेड को न्योता दिया, जिनको हम टेस्ट करके घर पे बिठा सकते थे उनको हमने कहा जी आप सड़क पे घूमते रहो, और उसकी वजह से टेस्टिंग नहीं हुई, उन्हें पता नहीं लगा, और ये कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली और महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से डेफिनेट हो चुका है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास, सवाल मेरा वंशराज जी आपसे है, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में अगर हम देखें तो कोरोना के मरीज रफ्तार पकड़ रखे हैं कोरोना के मरीजों ने, और अब तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि 5 लाख के ऊपर केस जाने वाले हैं। जी देखिए दिशा जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जी, तो सरकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या उस समय हम लोग के पास ये थी कि हमको ये आइडिया ही नहीं था कि वायरस कैसा है। तो सब जो लॉकडाउन किया गया उसमें हमको थोड़ा सा समय मिल गया कि हम अपनी व्यवस्थाओं को थोड़ा मजबूत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आह्वान किया पूरे देश को, देश के सारी राज्य जो उसके लिए तैयारी करने लगी। दिल्ली सरकार जो पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध करा रही थी, हाँ ये जब जरूर नई बीमारी आई तो थोड़ा सा समस्याएं हुई, लेकिन आप देखिए अभी जो आप बता रही हैं कि ये आंकड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिया है, दरअसल उनका आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है डीएमए का यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जी। उसमें उस जब अथॉरिटी ने ये आंकड़ा दिया कि आने वाले समय में अभी जैसा कि 15 जुलाई तक लगभग 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी दिल्ली के लोगों के लिए। लेकिन आप देखिए कि जो नॉर्मल दिन होता है दिल्ली में, नॉर्मल डेज में भी जो है दिल्ली के बाहर के कम से कम 50% मरीज दिल्ली के बाहर से आते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन में एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के फैसले को बदल दिया है तो उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। ठीक है उन्होंने अगर बदल दिया ठीक है, उसके बावजूद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको सूचित भी किया, देश को भी और दिल्ली को भी बताया कि बस 2 दिन के अंदर हम निकल रहे हैं, दिल्ली के सारे जो भी बैंक्वेट्स हैं, मैरिज हॉल हैं, स्टेडियम है, सबको हम कन्वर्ट करेंगे कोविड-19 में और हम सबकी एक तैयारी होगी। लेकिन दरअसल देखिए जिम्मेदारी जो होती है, आप ठीक है दिल्ली सरकार के सर पे ठिकरा फोड़ दीजिए, लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली में 4 प्रकार के अस्पताल हैं, प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल है, और उसके बाद जो है एलजीडी के अस्पताल है और दिल्ली सरकार के अस्पताल है। जरा सा मैं आपसे 1 मिनट के लिए बस समझ चाहूंगा, आप देखिए कि दिल्ली सरकार के अंदर में जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो 10,500 है, कोविड के लिए हम लोग 4,576 मरीजों का इसमें इलाज कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 10,320 जो है बेड है, लेकिन मात्र जो है 835 लोग के लिए कोविड की व्यवस्था, मतलब कोविड में उनका इलाज चल रहा है। एमसीडी में 3500 बेड है लेकिन वहां पे 0। तो आप सोचिए कि दिल्ली का सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो हम तो दे ही रहे हैं, अब ये केसेस बढ़ रहे हैं तो केसेस तो भाई जाहिर सी बात है, एसडीएम का आंकड़ा आया है वहां पे
सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो है प्रतिनिधि गए थे, दिल्ली सरकार के भी प्रतिनिधि गए थे और एलजी महोदय भी थे, तमाम लोग थे। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप दिल्ली सरकार की मदद करिए। आप मदद के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। 17,500 करोड़ रुपए पूरे देश को आपने जो दिया आपदा के समय में, उनको मदद किया, लेकिन आपने दिल्ली सरकार को 17,500 रुपए नहीं दिया। ये दोहरा चरित्र जो भाजपा अपना रही है, इससे भी तो हमको समझना पड़ेगा जी। राजेश जी, यहाँ वंशराज जी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। देखिए दिशा जी, हमें तो ये सबसे पहले दुबे साहब से पूछना बहुत जरूरी हो गया है कि आपके मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार के तरफ से सहयोग मिल रहा है, और कल का स्टेटमेंट था उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अमित शाह जी से मिला हूं और अमित शाह जी ने हमें सारा सहयोग का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए उनको दिया कि यहाँ पर जो प्रवासी लोगों के खाने पीने का जो व्यवस्था हो रहा था उसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी सहयोग किया गया। हम तो दुबे जी से ये जानना चाहते हैं। राजेश जी देखिए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि पिछले 2.5 महीने कोरोना संकट में आदरणीय नरेंद्र मोदी पे जो भी गाइडलाइंस आया केंद्र सरकार का, उन्होंने अक्षरशः उसको दिल्ली में लागू किया। लेकिन ये आप सोचिए कि कितनी संवेदनहीनता है कि आपने अन्य राज्यों की मदद करी। ठीक है, आपने पीपी किट जब मांगा गया दिल्ली सरकार को, अपने दिया, उपलब्ध कराया, सारी चीजें पूछे, लेकिन इस समय जब टैक्स का पैसा नहीं आ रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, लोगों को तनख्वाह देने में इस समय तकलीफ हो रही, सरकार को आपको मदद करनी चाहिए थी। 5,000 करोड़ रुपए आपने सरकार ने मांगा, लेकिन आपने उस पर एक सवाल नहीं किया। दुबे जी, जरा मेरी भी बात तो सुनिए। दुबे जी आपके सुन लिया मैं आपको बात को। आप दुबे जी मेरे को यह बात बताइए कि केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी दोनों आपसे 4 दिन पहले तक ये बोलते हुए नजर आए कि दिल्ली में हालात नॉर्मल है, केसेस सब ठीक चल रहे हैं, सभी का प्रॉपर इलाज हो रहा है। आज 4 दिन के बाद अभी अचानक ये कैसे बोलने लगे? आप ही के नेता आपसे एक सप्ताह पहले, एक सेकेंड मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। आप पूरे टीवी चैनल्स पे रोज केजरीवाल जी आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारे पास 30,000 बेड उपलब्ध है। उसके बाद फिर उन्होंने घटाया कि मेरे पास 20,000 बेड उपलब्ध है। फिर उन्होंने घटाया कि मेरे पास 10,000 बेड उपलब्ध है। और आपको गलत जानकारी, मेरी जानकारी ठीक कर देता हूं राजेश जी, सुनिए। आपने मेरी जानकारी तो दिल्ली में 5,000 मरीज होंगे। आप दुबे साहब पहले ये बताइए कि आज 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 दिल्ली से सरकारी अस्पताल में कोई भी पेशेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है, लोगों को आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोग वहां धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, 5.5 लाख का आंकड़ा छूना है। ये आपका स्टेटमेंट था ऑफिशियल, आप डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का लगातार जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद दिल्ली क्या, महाराष्ट्र क्या, हर जगह ही बढ़ रहा है। राजेश झा जी और वंशराज जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हम यही चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना के मरीजों की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार कितना सही से काम कर रही है और कितने कैसे ये जो आंकड़े हैं इनको रोका जा सकेगा। सवाल मेरा डॉक्टर वी के मोंगा जी आपसे है, लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, सर आप बता दीजिए कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या और कैसे ये काम करेगी? बीमारियां हैं वायरल डिजीज खासकर जी, इनको रोकथाम करने का तरीका एक होता है कि लोगों में इम्यूनिटी पैदा की जाए। उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि कोई ना कोई वैक्सीन बन जाए, जो कि हम वैक्सीन बनाते चले जाएं, लगाते चले जाएं और लोगों के अंदर अपनी इंटरनल इम्यूनिटी बनती चली जाए। या दूसरा तरीका यह है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, एंटीबॉडीज शरीर के अंदर डेवलप हो जाए, वो एंटीबॉडीज जो हैं वो एक संक्रमण को रोकने का एक तरीका है, अंदर से शक्ति देती है। तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम सोचें तो संसार के सारे पाठ्यक्रम ये कहते हैं कि अगर 70% लोग एक कम्युनिटी के या देश के इस इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन अपना असर दिखाता है या नहीं दिखाता है, जो हम कहते हैं कि 80% केसेस के अंदर कुछ नहीं होता, 20% नहीं अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तो अगर 70% लोग इससे अफेक्ट हों, इनमें एंटीबॉडीज डेवलप हों, तब इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। 70% का मतलब 130 करोड़ में से आप मान लीजिए कि 90 करोड़ लोगों को, और 90 करोड़ में से अगर आप
उस आंकड़े के हिसाब से चलो तो कम से कम 3% तो आज की तारीख में मृत्यु दर भारत के अंदर है ही, एवरेज भी लगाया जाए तो आप हिसाब लगाओ कि कितना बड़ा आंकड़ा बनता है हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये नेचर है, नेचर से आप लड़ाई कर रहे हो, वायरस से लड़ाई कर रहे हो, तो दो ही साधन है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप करने की बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी कहना बड़ा आसान है लेकिन भारत जैसे देश के अंदर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए जो इफेक्टिव हो, इट्स ए वेरी टीडियस जॉब, कम से कम कई करोड़ों लोगों की इसके अंदर उनको अफेक्ट होगा और उनकी मृत्यु भी होगी, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अरोड़ा जी आपसे है, वैक्सीन तो अभी फिलहाल बनी नहीं है लेकिन एक मात्र उपाय यही है कि घरों में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, लेकिन शायद लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं और इसे समझाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, कब तक ये चलता रहेगा? दिशा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना जी और वो इतना बोले, उनकी बात भी समझ नहीं ना मुझे ना जनता को। और जहां तक डॉक्टर वीके मोंगा जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, बड़े सुलझे हुए डॉक्टर हैं और हमारे मित्र भी हैं, और इन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था की बात की, आज तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे क्लेम ना करें, सिर्फ अस्पतालों में कितने बेड हैं इसकी जानकारी के लिए एक ज्वाइंट सेंट्रलाइज हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि हॉस्पिटल में दाखले सुचारू रूप से हो सके। इन्हें चाहिए आपातकालीन आपातकाल एम्बुलेंस के लिए अगर किसी पेशेंट को आवश्यकता पड़ती है वो भी सेंट्रलाइज नंबर हो, ये नहीं हो कि वो हमारा ऐप है, ये हमारा ऐप है, सेंट्रलाइज बनना चाहिए। अगर सेंट्रलाइज बनेगा तो मुझे लगता है कि काफी लाभ मिलेगा। और जहां तक दोनों पार्टियों की बात है एक दूसरे करने की आंकड़ों की, ये देखो दिशा जमीन पे दिख रहा है, अभी जिस प्रकार डॉक्टर मोंगा जी ने बोला अभी हमारा रेशियो 3% का है, 3.32, और भारत की जनसंख्या कितनी है और हमें इस पे काबू पाना पड़ेगा। और जहां तक दिशा आपने बात की लोगों को एजुकेट करने की, बिल्कुल बिल्कुल, इस बीमारी का एक बचने का इलाज ये भी है कि जितने भी संगठन है, जितनी भी संस्थाएं बनी है, जितनी एनजीओ बनी है, उनको, उनके वॉरियर्स को, उनके वॉलंटियर्स को जगह जगह जाकर एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली सरकार के पास काफी वॉलंटियर्स हैं, है ना, इनकी पार्टी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस के हैं, कई दल हैं इनके पास, तो इनको जिम्मेदारी लेके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मैं तो बल्कि नाम बदल रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग तो इनके बीच में हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकारों में, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल। हमने सोशल कह कर अपनी डिबेट्स में आकर ये हर पार्टियां, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की सरकारें हो, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है। अब मेरी इनसे अपील है हाथ जोड़कर, कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, फिजिकल करें, फिजिकल, और यही एजुकेट करें, और इससे बचा जा सकता है। जब तक कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं आई आएगी, जब तक, जैसे डॉक्टर वीके मोंगा जी ने बोला है, हमें इसी में ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की, मैंने दोनों की बात सुनी, उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जान भी जान, उस बात से मेरा इत्तेफाक। बिल्कुल वंशराज जी, बात अगर ऐसे कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ काम करना है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम करने में लग रही है यहाँ पे इंटरेस्टेड, और ना ही राज्य सरकार भी यही कहना है राज्य सरकार का कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। देखिए ऐसा है कि इस आपदा के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी देश से आह्वान किया था कि हम सबको एकजुट होकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है ये बहुत गंभीर समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है जो वैश्विक महामारी है, इसको अगर हम टूटू मैमे की राजनीति में, धरना प्रदर्शन की राजनीति में और इस दुनिया भर की राजनीति के चक्कर में फंसेंगे तो नुकसान इस देश का होगा, नुकसान दिल्ली और पूरे देश के राज्यों की जनता का होगा। तो हमको, आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार
तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राथमिकता जो बनती है, प्राइमरी बनती है कि केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के अधीन में देश की सारी राज्य सरकारें हैं, तो इस बात को तो राज्य केंद्र सरकार को समझना चाहिए। अब आप सोचिए कि जो दिल्ली की अगर मैं बात कर लूं, तो एमसीडी का जो अस्पताल है, केंद्र सरकार का जो अस्पताल है, उसमें आज आखिर बेडों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है भाई? उसमें भी तो आप व्यवस्था करते हैं लॉकडाउन का समय में लोग। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि दिल्ली की सरकार के जो अस्पताल है, जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है, उसमें आज भी 2000 बेड खाली है। राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है, उसमें 500 बेड है। जीटीबी में 1500 बेड है। दीपचंद बंधु 200 बेड है। और ये सारे अस्पताल ऐसे थे, जीटीबी, राजीव गांधी, लोकनायक, ये सारे अस्पताल ऐसे थे जो क्रिटिकल सर्जरी करते थे, जो यानी कि गंभीर समस्याएं थी उसकी बीमारी का इलाज करते थे। लेकिन आज अगर आप भाजपा के प्रवक्ता महोदय पूछिए कि आप एम्स में जो है बेडों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे कोविड में या दिल्ली सरकार में, ये कहते हैं कि वहाँ बहुत क्रिटिकल सर्जरी होती है इसलिए हम वहाँ नहीं बढ़ा सकते। तो भाई आप इस बात को समझिए, जो दिल्ली सरकार की क्रिटिकल, जहाँ पे बोन नैरो के ट्रांसप्लांट प्लांट होता था और न्यूरो सर्जरी होती थी, ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, जब वो सरकार वो सब सुविधाएं उस अस्पताल में मिलती थी, लेकिन आज उनकी प्राथमिकता कोविड 19 के मरीजों को देखने की हो गई है। कि ये जिम्मेदारी जवाबदेही केंद्र सरकार की भी होती है ना। आपके एमसीडी अस्पताल में एक मरीज नहीं है, आपने 3500 अस्पताल वहाँ 3500 का बेड अस्पताल खोल रखा है, कहीं कोई कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा है, आप सारा फिक्र सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल जी पे और दिल्ली सरकार पर छोड़ रहे हैं। इस बात को आप समझिए जी। बिल्कुल राजेश झा जी। हाँ जी अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दिशा जी, मैं कह रहा था कोई अचानक मरीज इस स्थल में आता है और बीमार होता है, उसके पास जो भी नजदीकी अस्पताल होगा, चाहे निगम का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे दिल्ली सरकार का, तो वो क्या पहले सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊं? वो सबसे पहले ढूंढेगा कि नजदीक में हॉस्पिटल कौन सा है। बिल्कुल। तो इसमें तो मुझे क्लैरिटी चाहिए। पेशेंट एक तो इस चक्कर में झूठ रहा है, बीमार है, परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है। बिल्कुल। तो वो इसमें पड़ दे कि उस एम्बुलेंस से वहां जाए, फिर वो वहां से वहां भेजे, और पेशेंट को अवेयर नहीं होता। जो व्यक्ति बीमार होता है दिशा, उसे बिल्कुल होश नहीं होती, उसे जान दिख रही होती है अपनी कि मैं इस बीमारी से अपनी जान कैसे बचाऊं, कैसे अपना इलाज कराऊं, वो इसी को ढूंढता रहेगा। इसकी क्लैरिटी चाहिए मेरे को। डॉक्टर वीके मोंगा जी तो डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, क्या क्या ये संभव है कि एक पेशेंट जाए और पहले पूछे कि मैं किसके अंडर में आता हूं, मैं कहां जाऊं, और इतना इस भयंकर महामारी में जहां सोचने का भी टाइम नहीं होता, इतनी परेशानी होती है, खुद तो व्यक्ति परेशान होता है, उसका परिवार, उसके आस पड़ोस वाले सभी परेशान होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वी के मोंगा जी, जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे यही होता है कि मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहा है और इसी बीच कई मरीजों ने अपनी जान भी खो दी है। बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया अजय साहब ने। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम थोड़ा एनालाइज करें, राजनीति से अलग होके थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए कि पिछले 3 महीनों के अंदर दिल्ली सरकार ने अपने बेड जरूर दिए हैं कोरोना के लिए, लेकिन नए नहीं बनाए। एमसीडी को अगर वो चाहते हैं तो आज ये एक ऑर्डर निकालकर एमसीडी के कुछ अस्पतालों को कोरोना अस्पताल बना सकते हैं, इनको दिल्ली के अंदर कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दिल्ली सरकार के जितने बिस्तर हैं, कम से कम 50% उसमें से खाली पड़े हैं। प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो 90% कवर्ड हैं, उनमें 90% फुल हैं, और सरकार के 50% भी फुल नहीं है। सरकारी अस्पतालों के अंदर सेवाएं नहीं है, सफाई वाले कर्मचारी नहीं है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, पानी पिलाने को, दवाई देने के लिए कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आप बेड्स इंक्रीज करने की बात करते हो, आप ओवरनाइट बेड तो इंक्रीज कर दोगे। आपने कहा जी झा साहब ने कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर हम बनाएंगे, हम होटलों के अंदर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन स्टाफ कहाँ है? बिना स्टाफ के, बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, आप स्टेडियम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज नॉट ए जोक। आप ऐसे थोड़ी है कि रातों रात आपने अनाउंस कर दिया कि हमने इसे बैन कर दिए और काम चालू हो गया। इट इज ए सीरियस डिजीज, इसके अंदर मोर्टेलिटी भी है, लोगों में पैनिक भी है, लोगों को सुविधाएं भी चाहिए, हम वो तो कुछ दे नहीं पा रहे। और जब सुविधा देने की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर के साथ आपका एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, एक विश्वास जो होना चाहिए, वो आपने खत्म कर दिया। आप अस्पतालों को नोटिस देते जा रहे हो,
लेबोरेटरीज को नोटिस दे दे कि आपने लेबोरेटरीज की सर्विसेज बंद कर दी, टेस्टिंग फैसिलिटीज को आपने रोक दिया, छोटे नर्सिंग होम के ऊपर आप जुर्म ढा रहे हो, तो ऐसे किसी भी आपदा से निपटने का तरीका नहीं है। आपदा से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनमें एक ट्रस्ट जगाना होगा कि आओ हम मिलके बैठ के काम करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर खासकर वो बहुत लैक कर रहा है और उसी की वजह से हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। जी अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, डॉक्टर मोंगा जी ने बात की, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। 42 से 36 लेबोरेटरीज कर दी, इनको लेबोरेटरीज बढ़ानी चाहिए थी और इन्होंने कम की। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ तक इल्जाम की बात भी खत्म हो गई, और मेरा तो बिल्कुल नम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, तीनों वक्ता मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, 8107 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मैं उनके प्रति उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, और दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टी के लोग भी बैठे हैं, इनसे अपील करता हूँ और मृत्यु ना होने दें, हमारे भारत के नागरिकों को बचाएं, उन्हें एजुकेट करें और इस राजनीति से ऊपर उठें, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसके परिवार को पता होता है, उसको पता होता है, तो कृपया करके हमने मृत्यु दर को भी रोकना है और मिलके काम करना है। बिल्कुल। सवाल मेरा राजेश झा जी आपसे है, जब लॉकडाउन लगाया गया था तो यही सोच के लगाया जाता है कि जो ये अवधि मिली है इसमें कुछ ना कुछ हमारी स्ट्रेटजी बने कि कोरोना से निपटना है, मौतों के आंकड़े को कम करना है और मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसको कम करना है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है, कैसे इसको रोकेंगे आप, कैसे क्या कदम उठाया जाए? ऐसा दिशा जी देखिए, जब शुरू में लॉकडाउन लगाया गया था तो आपको मालूम होगा कि वो सिर्फ 21 दिन के लिए लगाया गया था, और 21 दिन में पूरे भारत में जो 130 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी देश और उसमें मजदूरों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या मजदूरों की, तो बहुत आसान नहीं है बोलना और करना। जी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं मुंगा साहब को अभी सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि केवल आप स्टेडियम को और अलग अलग हॉस्पिटल को और बैंक्वेट हॉल को आप चाह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बना दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, नर्सेस कहाँ से आएंगे, दवाइयाँ कहाँ से आएंगे, तो स्ट्रेटजी की जो बात आपने कही है बिल्कुल सही बात किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्र सरकार ने वो धीरे 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 लॉकडाउन को 3 से 4-5 चरण में लाया, इसलिए लाया कि एक पूरे स्ट्रेटजी के तहत ट्रेनें खोली गई, लेबर्स जो रास्ते पे थे उनको बहुत समस्या आई, उन मजदूरों को खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, कमाने का दिक्कत, आर्थिक गतिविधि रुक गई, तो इन सभी तमाम चीजों को संभालते हुए इनको 5 चरण में ले गया, लेकिन साथ साथ देश को भी चलाना, आर्थिक व्यवस्था को भी गति देना, इन तमाम चीजों में बहुत आसान काम नहीं होता है डिसीजन लेना, तो साथ साथ स्ट्रेटेजी बनती गई। और आपको पता होगा कि अभी आज के दिन में कोरोना के जो केसेस हैं 75% केसेस मात्र 6 राज्यों में सीमित है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली और बॉम्बे, ऐसे जगह पर हमारे सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, और प्रयास किया, निश्चित रूप से राज्य सरकार ने प्रयास किया, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी रही, और जिसके वजह से क्या हुआ कि ये अचानक जो है सो विस्फोट कर गया, दिल्ली के अंदर विस्फोट कर गया। तो यहाँ पर क्या है कि इनको राजनीतिक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथी भी हमारे बोल रहे थे कि हम दोनों पार्टी को सुन रहे हैं, इन्होंने क्या किया जान बचाने के लिए, क्या किया। हम देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि इसे आज ये जो महामारी है इसे देश का समस्या है और सबको मिलकर काम करना होगा, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। अभी अरविंद केजरीवाल का आपने सुना होगा, उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली के अंदर दूसरे प्रदेशों से या दूसरे जगह से आए हुए लोगों की इलाज नहीं होगी, इन्होंने डिवाइड एंड रूल एक पॉलिटिक्स का, अनिल बैजल साहब ने, हमारे एलजी साहब ने इसको पलट दिया कि नहीं, दिल्ली में रहने वाले जो भी लोग हैं वो बीमार होते हैं तो प्राथमिकता है उसको बचाने का, उसको ठीक करने का। उसके बाद नई बातें इन्होंने फिर ला दी कि हमें 5 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए चाहिए,
अन्य प्रदेशों ने नहीं मांगा, अन्य प्रदेश में कहीं पर किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा बात नहीं बोला। ठीक है, हमारे जो पीएम केयर फंड में आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, किसानों के लिए किया गया, मजदूरों के लिए किया, 20 लाख करोड़ रुपए बांटे गए और कोशिश किया गया है कि हर तबके के लोगों को आर्थिक सहयोग दिया जाए और रोजगार को चालू किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं वो उनके रहने के लिए, खाने के लिए, क्वारंटीन करने के लिए और उनके रोजगार के लिए भी साधन किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से कि दिल्ली में आज आपने जो प्रवासी लोग थे जिनको बॉर्डर से ले जाकर आपने छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया और झूठा ड्रामा किया कि हम 10-10 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, आप जब सब काम फ्री में ही कर रहे हैं तो आपको 5 हजार करोड़ रुपए की जरूरत क्या पड़ गई? आपने ये राजनीति क्यों कर दिया कि प्रवासी लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर हम इलाज नहीं दे पाएंगे सरकारी अस्पताल में? तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, एक टीम वर्क काम करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा और एक पूरे प्लान से आना होगा कि हमको लोगों को बचाना है। दिल्ली के अंदर कैसे लोगों को बचाया जाए इसके ऊपर कोई रीजन इनका नहीं। बिल्कुल वंशराज जी, जिस तरह से राजेश झा जी भी यही बोल रहे हैं कि दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार कुछ और कहती है, दूसरी तरफ राज्य सरकार कुछ और कहती है, दोनों सरकारों के बीच तालमेल ही नहीं बैठा है, कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दिशा जी देखिए, ये बात आप समझिए, और ये चूंकि आप पत्रकार हैं, इतनी बड़े चैनल की एंकर हैं और आपका खुद चैनल जो है लगातार इन सब चीजों को देखता रहता है, 2.5 महीने में बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 महीने में केंद्र सरकार के किसी भी फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, ना उसे कोई विरोध किया गया किसी भी राज्य में, खास करके दिल्ली की अगर मैं बात कर लूँ। और दूसरा ये जो महोदय कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश कर दिया कि जो है बाहर के मरीज दिल्ली में नहीं आएंगे, उनका हम इलाज नहीं कर पाएंगे, जरा आप हमें ये बताइए कि जब 10,000 बेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 10,000 बेड जो है दिल्ली सरकार के थे, तो अब ये था कि भाई बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो 10,000 की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएगा। लेकिन दिल्ली का जो मरीज है मान लीजिए कोविड का, क्या ये केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को आश्वस्त करेगी कि कल को जब वो कोई पेशेंट मान लीजिए दिल्ली का होगा, दिल्ली सरकार की आईडी, दिल्ली के राज्य के उसके पास जो है आईडी होगी कि क्या उसका इलाज नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हरियाणा प्रवासी लोगों को मार दिया जाए, बीमार उनको मरने दे दिया जाए। एक मिनट रुकिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं बीमार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे बोलने दीजिए पहले एक मिनट, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 1.5 महीने पहले आदेश पारित कर दिया और बेंगलुरु के सारे अस्पतालों को आदेश कर दिया कि केरल से जितने लोग आएंगे उनका किसी का भी इलाज नहीं करेंगे हम लोग। ये बताइए, इससे कोई सवाल पूछता है इनसे? आप अभी अभी आपकी खबर है दैनिक भास्कर की, दैनिक भास्कर की आज की खबर मैं बता रहा हूँ कि अहमदाबाद में सुनिए, बहुत बोलिए सुनिए, सूरत में जो है, सूरत में एक निजी अस्पताल था क्राइस्टार अस्पताल, उसमें एक मरीज से 12.5 लाख रुपए ले लिए गए 24 दिन में और उसका कोरोना भी ठीक नहीं हुआ, इलाज भी उसका होता रहा है 24 दिन में, उसके समझ लीजिए उसको चूस लिया गया और चूस कर उस अस्पताल में छोड़ दिया, लेकिन वहाँ गुजरात की सरकार उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई चैनल उससे कोई बहस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बोलेंगे कि जब आपके ही गाजियाबाद से एक महिला थी उसका बच्चा जो है दिल्ली में एडमिट था और जो है वो वहाँ सड़कों को खुदवा दे रही है, जो जिनको पार्टी की देश बचाने के बाद सुनिए 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 सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, ऐसे बोलने से आपको काम नहीं चलेगा, सुन लीजिए एक मिनट। आप बताइए दिशा जी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी हमको सबको मदद करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन्होंने जो है गाजियाबाद का नोएडा का बॉर्डर इसलिए सील कर दिया कि जो है दिल्ली से कोई डॉक्टर जो नोएडा में रहता हो और दिल्ली में काम करता हो वो आ जा नहीं सकता। आपके तमाम लोग जो है टीवी चैनल्स नोएडा में हैं, आप जो है आपको भी तकलीफ हुई होगी कि बॉर्डर सील किया था कि नहीं, जानकारी नहीं है। 12,000 एक मिनट सुन लीजिए, 12,198 टेस्ट 10 लाख लोगों में,
दिल्ली सरकार करवा रही है, लेकिन आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या है, मात्र 1500। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की दुहाई दे रहे हैं हमारे भाजपा के महोदय जी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सरकार ने जो राजेश जी, आप राजेश जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश के हमारे लोगों को अनाज छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने, इनको बॉर्डर पर पिटवाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। जो व्यक्ति गुजरात से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से, दिल्ली से पैदल चलता हुआ बॉर्डर पर पहुंचा, योगी आदित्यनाथ ने आदेश कर दिया कि पीट पीट के भगाओ। आप बताइए इससे कोई सवाल, इनसे कोई डर सकता है? ये जो लोग इस समय कोरोना से लड़ना चाहिए था वो बंगाल में, बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग देश संभालेंगे? ये आज जो है हमारे सवाल स्वास्थ्य सेवा पे जो है सवाल कर रहे हैं, हमारी सेवा भावना पे सवाल कर रहे हैं, मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस महामारी में भी राजनीति करने से पास नहीं आ रही है? हिसाब से केजरीवाल जी ही संभालेंगे, और हमें लगता है कि दिल्ली तो अब संभल नहीं रहा है, बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला भी है, इंतजार करिए। देखिए सुनिए, इसमें आप लोग बहुत माहिर हैं, इसको आपने बोली, आज आपने जो आदेश किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं कि एक हफ्ते बाद लग जाएगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी पहले से होती है, सारी व्यवस्था आपकी है, 23 बड़ी एजेंसी आपकी है, मुख्यमंत्री घर पे आप छापा करवा सकते हैं, राष्ट्रपति लगाने वाली कौन सी बड़ी बात है? और मनोज ये सब खरीद फरोख में आप लोग आगे हैं, आप लोग आगे हैं, दिल्ली को बेटो बना लिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तो फ्री सब कुछ है, तो फिर पैसे पांच दिल्ली के लोगों का पैसा क्या? मैं क्या मैं अमित शाह को दे दूं कि आप विधायक खरीद लीजिए? दिल्ली के टैक्स के पैसे से हम विधायक नहीं खरीद रहे हैं, बिहार, गुजरात और बंगाल में हम दिल्ली के लोगों को टैक्स के पैसे से उनको अगर सुविधाएं दे रहे हैं, मात्र 150 करोड़ रुपए। दिशा जी इस बात को नहीं पूछिए, मात्र 150 रुपए 150 करोड़ का खर्चा आता है बिजली पानी और बाकी सुविधा देने में। और ये दिल्ली को वंशराज जी, राजेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जी अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिशा जी, जी मैं दोनों साथियों की बात नहीं सुन पाया, ना समझ आई जी। और डॉक्टर वीके मूंगा जी भी मुस्कुरा रहे थे कि हम किसकी बात सुने, समझ नहीं आई। तो मेरे को लगा कि इस सारी बातों में जो निकल के आया कि कोरोना की लड़ाई तो पीछे रह गई, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने आज सुना और जो पूरा देश भी देख रहा होगा। और हमारा मुद्दा था कि कोरोना की बीमारी से कैसे निजात पाएं, बिल्कुल। और यहाँ हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप फिर कर रहे हैं। और जहां तक जब कोरोना शुरू हुआ था दिशा जी, लॉकडाउन, सभी राज्यों ने मिलके, देश के जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, सब मिलके चले, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, सब मिलके चले, सबने सारी गाइडलाइंस का बोल रहे हैं। अजय जी आपके राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन होकर गलत हुआ है, आपके तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। राजेश जी मैं उसी बात, आपसे नम्र निवेदन है, मैं आपके मध्य नहीं बोला, राहुल गांधी जी ने, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जब हमारे केस 500 थे और हमने लॉकडाउन शुरू किया है, आज हमारे केस ये कितने हैं, किस रेशो से बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम लॉकडाउन अनलॉक करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हम उस क्वेश्चन पे आज भी स्टैंड है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जो कोरोना के मरीज हैं, पेशेंट हैं, और हम तो आपके साथ भी हैं और दिल्ली सरकार के भी साथ हैं, और भी जहां जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, हम कोरोना के मरीजों के साथ हैं, उस संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें कोरोना है, कोरोना पे विजय पाएं, और इस बीमारी का डॉक्टर वीके मूंगा जी और बाकी डॉक्टर्स मिलके कोई इलाज भी जरूर निकालेंगे। अगर हम लोग राजनीति बंद कर देंगे तो डॉक्टर्स फ्री हैंड काम करके कोई ना कोई इलाज निकाल भी देंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक बहुत सक्षम है दिशा। बिल्कुल, देश में हमको एक साथ कोरोना से लड़ना है। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर मूंगा आपसे है, जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया, अनलॉक लागू किया गया, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन सवाल एक छोटा सा आपसे मेरा ये है कि क्या इसमें कुछ नई नीति की जरूरत है कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ती संख्या है वो रुक जाए यहीं पर, और जो रिकवरी रेट है वो हालांकि अच्छा है, और जल्द से जल्द सारे के सारे लोग रिकवर हो जाएं और कोरोना हमारे देश से बाहर निकल जाए? दिशा जी देखो, कुछ जो तरीके अपनाए गए हैं
जी. वो कई जगह पे ट्राइड और टेस्टेड तरीके हैं, कोई नए तरीके नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, इसका अगर हम 100% पालन कर लेते तो मोदी जी का सपना पूरा हो जाता. जी. नहीं हुआ उसको भूल जाओ, पुरानी बातें, चाहे कुछ होगी, चाहे मरकज हुआ, चाहे कुछ भी हुआ. लेकिन आज की तारीख में हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो अगर हम उद्योग की बात करें, उसको बढ़ने देंगे तो बीमारी बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, उसके ऊपर तो कोई अंकुश लग नहीं सकता. जी. अगर हम बीमारी को रोकना चाहते हैं तो या तो एक प्रॉपर लॉकडाउन 15 दिन का दोबारा से, जिसमें 100% लागू किया जाए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी भी गवर्नमेंट को देखनी है. तीसरा ऑप्शन क्या है, जैसे दिल्ली के अंदर जब पिछली बार बात हो रही थी, एक महीना पहले 80-90 कंटेनमेंट जोन थे, आज की तारीख में 200 जोन है. उन 200 जोन को अगर हम प्रॉपर तरीके से सील कर दें, क्योंकि तो शुरू में क्या होता था, जहां पर कंटेनमेंट की जरूरत पड़ती थी वहां पर घर पे पुलिस का आदमी बैठता था, सरकार के लोग जाते थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी. अब वो खत्म हो गई है. अब दिल्ली में सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं कर पा रही. तो जब तक हम कंटेनमेंट जोन को अच्छी तरह से सील ना कर दें, कोई व्यक्ति वहां से बाहर ना निकले, अंदर ना जाए, और उसके अंदर पूरा का पूरा सख्ती से, जब तक हम कंटेनमेंट जोन को बिल्कुल सील करके कंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी मल्टीप्लाई होती रहेगी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. बिल्कुल. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. तो जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद प्रतिदिन लगभग 10,000 के आसपास कोरोना के केस आ रहे हैं, और उसी को लेकर हमारी आज की चर्चा थी. और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि हमें जो कंटेनमेंट जोन है उनको सील करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये भी सिखाना होगा कि खुद का हाइजीन रखना कितना ज्यादा जरूरी है. और मुद्दा में बस इतना ही. आप बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.